किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि व्रत खोलने के लिए खाना बनाना है। 6 o'clock हो रहा है, 7 बजे तक खाना बनाना है। 1 घंटे में सब कुछ तैयार करूंगी। अभी तो पहले मैं चाय बना लूँ और चाय पी लूँ। चाय पी के फिर लगती हूँ काम पे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। व्लॉग तो थोड़ी देर पहले स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने आपका वेलकम नहीं किया था, इसलिए मैं आपका वेलकम कर रही थी। और ये व्लॉग मंडे की शाम का ही है, और बस शाम को मतलब थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, अपना काम ही कर रही थी, और बस आ गई हूँ अब मैं चाय बनाने के लिए। और यहाँ निकाल रही हूँ दूध से मलाई। मैं मलाई निकालती हूँ दूध से, और हमारे यहाँ एक तो किसी को पसंद भी नहीं है, ना मुझे पसंद ना बच्चों को पसंद। और बच्चों के डैडी को पसंद है, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उनको मना किया गया है कि मलाई निकला हुआ दूध पीना है। तो बस मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए मतलब दूध कर दिया है। बच्चों को भी थोड़ा दूध दूंगी और चाय भी बनाऊंगी। तो बस ये मैंने चढ़ा दी थी चाय और रख दिया दूध। सीधे डायरेक्ट दूध से ही चाय बनाती हूँ मैं, क्योंकि मलाई निकल जाती है तो दूध में से फैट तो निकल ही जाता है, और फिर उसमें पानी इतना डालने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, और फिर ये मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे। जब मैंने पतिदेव जी के लिए वो फलहार बनाया था ना, तभी आलू बॉईल करके रख लिए थे, इकट्ठे ही बॉईल कर लिए थे, तो दो दो बार नहीं करने पड़े। तो बस उनको मैं छील रही हूँ, जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मेरे आलू भी छिल जाएंगे, और खाने की तैयारी करनी है। और देखो चाय, मैं चाय बन गई थी, चाय छान रही थी। पता नहीं क्यों मेरे ये चाय दाने में कमी है या मुझ में ही कमी है, कि मैं चाय जब छानती हूँ तब फैलती जरूर है, जरूर फैलती है। इसीलिए मैं इधर साइड रख के ही चाय छानती हूँ, जिससे कि ये है कि वाइपर से खींच दो फिर पानी डाल के साफ़ कर दो, और मक्खियाँ भी ना लगे और चिपचिपा भी नहीं हो। मुझे ऐसा ही लगता है कि या तो चायदान में कमी है या मुझ में ही कमी है, कि चाय पता नहीं क्यों फैलती है। थोड़ी बहुत तो फैलेगी फैलेगी। अब यहाँ पर मैं चढ़ाने लग गई थी, खाना बना रही हूँ। खाने में सबसे पहले खीर चढ़ा दी है मैंने। हाँ, तो खीर बना रही हूँ मीठे के भोग के लिए, भगवान के लिए। तो बस जब तक मैंने खीर चढ़ा दी थी दूध से, और जब तक दूध बॉईल होगा तब तक मैंने सोचा कि लाओ टमाटर ही काट लेती हूँ। आज प्याज लहसुन का खाना बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि सबका व्रत है, तो व्रत में हमारे यहाँ प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं। सिंपल ही बिल्कुल सात्विक खाना बनेगा, बस टमाटर वगैरह डाल के, और टमाटर थोड़े से महंगे हैं, तो मैंने 1.5 टमाटर ही डाला है, नहीं तो मैं 2-2, 3-3 टमाटर डालती थी। अभी बहुत महंगे हैं, मतलब हमारे यहाँ 160 रुपये किलो चल रहे हैं अभी टमाटर हाल फिलहाल में। तो बस यहाँ पे मैंने भी कढ़ाई चढ़ा दी थी साइड में, और यहाँ डाल रही हूँ सरसों का तेल डाला है, हींग डाली है। हाँ जी, जब आप है ना लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाओ तो हींग का जरूर मतलब यूज करना चाहिए, जिससे कि टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे हींग डाल दी थी, और फिर डाल दिए हैं टमाटर, हरी मिर्च, फिर नमक डाल दिया है। और इतनी देर में मेरा दूध भी बॉयल हो गया था, और इसमें डाल रही है सेवैयाँ, भुनी हुई सेवैयाँ मेरे पास रखी हुई हैं। एक्चुअली ये सेवैयाँ नहीं है, ये हैं जवी, मार्केट से जो आती है ना वो हैं, और भुने हुए आती हैं ये, काफ़ी अच्छे बनते हैं। मेरे यहाँ खीर जो बनती है ना वो चावल की, वो देवांश को पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उसकी बना रही हूँ। यहाँ मैंने छौंक दी थी अपनी सब्जी, सारे बेसिक मसाले डाले थे टमाटर में, फिर आलू डाल के पानी डाल दिया था, जो वो मतलब मैंने सूट तो की थी, लेकिन पता नहीं क्यों सूट नहीं हो पाई वो वीडियो, तो ऐसे ही मतलब चली गई। बस सिंपल मैं बता रही हूँ, बस सारे मसाले डाल देने हैं, और वो आलू डाल देने हैं, पानी डाल देना, फिर उसको पकाना है। सिंपल होता है आलू टमाटर की जो लटपट वाली सब्जी होती है, उसको पकाना। जितनी देर आप उसको पकाओगे उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जब तक मेरी खीर भी मतलब बॉईल होने लग गई थी, और यहाँ मैं छील रही हूँ इलायची। हाँ जी, खीर का सबसे मेन चीज़ होती है इलायची, और उसमें आप खीर में कुछ भी नहीं डालो, सिर्फ इलायची डाल दो, ऐसे ही टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इलायची छील ली है, और यहाँ खल्लड़ में कूट रही थी मैं। तो एक्चुअली क्या है, जब है ना आप जैसे ये इलायची पाउडर हुआ, या फिर कोई भी चीज़, जैसे आप कभी भी काली मिर्च का यूज करना हो आपको, तो आप है ना तुरंत के तुरंत जो कूट के डालोगे ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। इसीलिए मैं इलायची वगैरह पाउडर बना के नहीं रखती, तुरंत के तुरंत कूट के डालती हूँ, जिससे कि उसका फ्लेवर ज़्यादा आए उसमें। तो बस मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। यहाँ काट रही हूँ कुछ काजू, डेली मैं बादाम खाते हैं इसीलिए मैंने काजू डाले हैं खीर में। और यहाँ फिर मैंने काजू डाल दिए थे, और साथ ही डाल रही थी चीनी। मतलब अब बन चुकी, काफ़ी देर हो गई इसको बनते बनते खीर को, तो मैंने यहाँ पे 5 चम्मच चीनी डाली है। मेरे यहाँ खीर थोड़ी मीठी ही पसंद करते हैं सभी,
तो मैंने 5 चम्मच खीर डाली है, खीर बन रही है, सब्जी बन रही है, साथ ही यहाँ पे मैं चला रही हूँ थोड़ी सी छाछ, मतलब छाछ नहीं बना रही, दही को ही फेंट रही हूँ क्योंकि मैं, मुझे बनाना है रायता, थोड़ा ही बनाना है, देवांश खाता नहीं है, जब खीर होती है रायता तो बस मैं और मेरे पतिदेव जी हैं वही खाएंगे और कोई नहीं खाने वाला। तो यहाँ मैंने डाल दी बूंदी जो मैंने दही फेंटा था ना उसमें, और जो बूंदी का रायता बनता है ना मैं दही से ही बनाती हूँ, छाछ से नहीं बनाती, उसमें बिल्कुल भी पानी मतलब यूज़ नहीं करती, खाली दही को फेंट के और आप है ना बूंदी डाल के बनाओ, वो गाढ़ा गाढ़ा जो रायता होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। अब इसको रख दूंगी जिससे कि ये है कि ये जो बूंदी है ना वो फूल जाएगी। और देखो अब ये मेरी भी खीर बनके तैयार जैसी हो गई है, एकदम सही बन गई थी। और फिर मुझे बाद में याद आया था कि मैंने केसर नहीं डाली थी, बाद में मुझे दिखी थी जब मैं मतलब डब्बे वगैरह कर रही थी तो मुझे केसर दिख गई थी, फिर मैंने 2-3 मतलब जो लच्छे होते हैं ना केसर के जो बाल जैसे होते हैं वो डाल दिए थे लास्ट में, मैंने कुछ तो असर छोड़ेगी। तो बस देखो यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, मतलब कितना मैं इसको पका रही हूँ, काफ़ी तेल ऊपर आ गया है तो तब तक पकानी है सब्जी, और फिर भी मैंने ढक के रख दी थी कि थोड़ी देर और पक जाए 5 मिनट के लिए। और फिर अब इसमें डालूंगी थोड़े से मसाले, यहाँ डाल रही हूँ मैं किचन किंग मसाला, क्योंकि अब प्याज लहसुन का यूज़ नहीं हुआ है तो थोड़े से मसाले आप इस टाइप के डाल दो तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ मैंने डाला है किचन किंग मसाला और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हर सब्जी में। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है क्योंकि मेरे पास आज धनिया पत्ता भी नहीं था, कसूरी मेथी से भी अच्छी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास धनिया पत्ता भी है वो भी डालो, कसूरी मेथी भी डालो। और ये डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो सब्जी के जो सारे मसाले हैं ना और एक्स्ट्रा जो हमने डाले हैं उनका फ्लेवर चला जाता है, सिर्फ थोड़ा सा डालना है। तो फिर मैंने थोड़ी 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रख दिए थे। और यहाँ मैं फिर करने लग गई थी अपनी कचौड़ी बनाने की तैयारी, आलू की कचौड़ी बनाऊंगी। तो बस उसमें डाला है मैंने ये लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, फिर ये डाला है स्वादानुसार नमक जितना आपको चाहिए वैसा, और ये मैंने डाली है सौंफ। हाँ जी, आप अगर सौंफ वाली जो कचौड़ी बनाते हो ना आलू की, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, मतलब इतना अच्छा टेस्ट आता है कि एकदम यम्मी यम्मी जैसा। धनिया पत्ता नहीं था, लेकिन आपके पास अगर धनिया पत्ता नहीं है तो आप सौंफ की जो होती है ना कचौड़ी वो बनाओ, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने बना के रख ली अपना जो स्टफिंग कचौड़ी की, और ये देखो मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है यम्मी यम्मी से, एकदम कलर ही चेंज हो जाता है जब आपकी सब्जी बन जाती है। तो सब्जी का बनने का बस यही होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं निशानी कि आपकी सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। देखो किस टाइप की, एकदम तेल तेल ऊपर आ गया, इवन मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था फिर भी। तो बस यहाँ सब्जी भी बन चुकी है, सारी मोस्टली तैयारी हो चुकी है, अब मैं लगाने लग गई हूँ आटा। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पूड़ी का आटा, क्योंकि अभी व्रत है तो मैंने सोचा कि थोड़े सा पकवान बना लिया जाओ। यहाँ पूड़ी का आटा लगा लिया, तो उसमें थोड़ी सी लगा रही हूँ यहाँ पे ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है ना वो, जिससे पूड़ी बहुत नरम नरम बनती है। हालांकि मैं उसके आटे में नहीं डाला था मैंने मोइन, सिर्फ ऊपर से लगाती हूँ, क्योंकि आटे में अगर डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है पूड़ी, ऊपर से लगा दो तो वो ऑयली भी नहीं होती है और बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ फिर मैंने लगा दिया था कचौड़ी का आटा, थोड़ा लूज लगता है, और ये लगा के रख दिया पूड़ी का आटा। तो बस यहाँ काम भी फिनिश हो गया था, और यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है तो साथ ही साथ भी करती रहती हूँ। अब आती है रायता बनाने की टाइम, तो यहाँ रायते के लिए मैंने जीरा भून रही हूँ थोड़ा सा, जीरे को भी मैं भून के नहीं रखती, तुरंत ही भूनती हूँ। तो देखो इसमें डाल रही हूँ, ये तो सिंपल सा ही बनता है, खाली लाल मिर्च, दोनों तरह के नमक, मतलब वाइट वाला और काला नमक, मतलब जो नॉर्मल नमक होता है वो और काला नमक। तो बस यही डालना था और क्या, और हींग जीरा भून के उसको है ना थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालना है, पीसना नहीं है, पीस के इतना टेस्ट नहीं आता, हाथों से आप क्रश करोगे तो वो क्रश हो जाता है और अच्छा मतलब बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने जीरा भून के हाथों से क्रश करके डाल दिया था, फुल तैयारी करके रख दी। और ये थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं तो इनको भी मैं क्लीन करके रख दूंगी, जिससे कि यह किचन एकदम क्लीन हो जाएगी और बस खाली पूड़ी बनाना रहेगा। तो बस यहाँ पे देखो मेरा काम हो चुका है, मोस्टली काम हो चुका है, फटाफट से हो जाता है। अगर आप किचन में एक साथ काम करते हो ना, जैसे एक कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, तो फटाफट से हो जाता है काम। हेलो, देखो 7 बजे है करेक्ट, आपको शायद उल्टा दिखेगा, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको।
छह बजे से लगी हुई थी, यहाँ देखो 7 बज गए हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, थोड़ी सी लोकेशन इधर की भी दिखा रही हूँ क्योंकि फिर आपको विश्वास नहीं होगा ना। तो यहाँ पे देखो मेरे खाने की फुल तैयारी हो चुकी है, कंप्लीट तैयारी हो चुकी है और बस खाली पूड़ी तलना बाकी है। 7 बजे तक मेरे पूरी खाने की तैयारी हो चुकी है और अभी बस मतलब 7:15 बजे की तरफ संध्या आरती करेंगे, उसके बाद खाना बनाऊंगी मैं, तभी खाना खाएंगे, संध्या आरती करने के बाद ही खाना खाते हैं। तो फटाफट 1 घंटे में तो बहुत इनफ रहता है खाना बनाने के लिए। इवन मैं चाहती तो अभी भी पूड़ियाँ बना के रख सकती थी लेकिन मैंने बनाई नहीं, गरम गरम पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं इसीलिए। और देखो पसीने में लथपथ हो रही हूँ मैं, बहुत गर्मी है बहुत। अब थोड़ी देर फैन में बैठ लूँ, फिर हाथ मुँह धो के दीपक जलाऊंगी, फिर मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। पहले इस एप्रन को तो निकाल लूँ मैं पहन लेती हूँ तो भूल जाती हूँ और नहीं पहनती तो बिल्कुल पहनती ही नहीं हूँ, लेकिन अच्छा रहता है, पहनना चाहिए एप्रन, मतलब मुझे लगता है कि कपड़े गंदे नहीं होते, अच्छा रहता है। और अभी है ना बाहर कपड़े भी पड़े हुए धुले हुए, उनको उतार के ले आऊँ, उनको फोल्ड कर दूँ, तो ये है कि मेरा पसीना भी सूख जाएगा, फैन में भी बैठ लूँगी और मतलब काम भी हो जाएगा, दो दो काम एक साथ होंगे। भगवान की आरती कर ली थी और यहाँ पे आ गई थी अब मैं तुलसी माता की आरती करने के लिए। हाँ तुलसी जी का मैं दीपक जलाती हूँ और जब से तो मेरी सूख गई थी तुलसी जी, तो अभी मैं लेके आई, तब से मैं मतलब तुलसी जी का भी दीपक जलाती हूँ, पहले भी जलाती थी अभी भी जलाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तुलसी जी की कर ली थी आरती और बस अब खाना बनाना है, और तो सारा काम तो हो ही चुका है, तो पहले पूजा पाठ कर लेते हैं फिर उसके बाद खाना बना के और मनाएंगे, मतलब अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने पूड़ी भी तलने लग गई थी मैं पूड़ियाँ, और फटाफट से जल्दी जल्दी, और मैं आप सबके बड़े कमेंट आ रहे थे कि आप चकला ले लो चकला ले लो चकला ले लो, मैंने मुझे है ना पत्थर के चकले की आदत हो गई थी, पहले मेरे पास यही चकला था स्टील वाला है, तो ये भी बहुत अच्छा लेकिन ये ना थोड़ा सा हिलता है, तो इसीलिए मुझे है ना थोड़ा आलस लगता है इस चकले पे, तो अभी मैंने मतलब ये भी यही निकाल दिया है। अभी मैं थोड़ा सा दूर है मार्केट, जो चकले का मार्केट है ना पत्थर का मार्केट, तो वो थोड़ा दूर है, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन जाऊंगी और पत्थर का चकला लेके आऊंगी, तो इसीलिए मैंने अब निकाल लिया। मैंने कहा बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि चकला ले लो ऐसे नहीं बेलो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने निकाल लिया। और यहाँ देखो मैंने पूड़ी भी तल ली है और ये तल रही हूँ मैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, और कचौड़ी है ना हमेशा मीडियम फ्लेम पर तलनी चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं तलनी चाहिए, जिससे कि ये क्रिस्पी नहीं बनती हैं फिर, तो ये आप मीडियम फ्लेम पर तलोगे ना तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम बढ़िया बढ़िया, देखो कचौड़ी कितनी अच्छी आई है, फूली फूली सी एकदम बढ़िया कचौड़ी आती है, और मेरी आलू की कचौड़ी पसंद है, खीर से काफ़ी अच्छी लगती हैं, हम सबको ही अच्छी लगती हैं, दाल की भी अच्छी लगती है लेकिन दाल की कमी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, देखो जितनी आलू की खाना पसंद करते हैं, मोस्टली त्योहारों पर आलू की ही कचौड़ी ज़्यादा बनती है। तो बस आज थी ये हमारी थाली, व्रत की थाली, और ये है आलू टमाटर की लटपट वाली सब्जी, बूंदी का रायता, खीर है सेवैया वाली, कचौड़ी है, पूड़ी है, सैलेड है, तो ये थी एकदम बिना लहसुन प्याज वाली शाही थाली और व्रत की थाली। तो बस यहाँ हमारा मतलब खाना पीना पूरा कंप्लीट हो चुका था और सभी बैठ के एक साथ ही खाना खाते हैं मोस्टली, तो बस सबका मेरा और हस्बैंड जी का व्रत था तो हम दोनों अपना व्रत खोल रहे थे, बच्चे अपना खाना खा रहे हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग, तो देखो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट करके, अगर थोड़ा बहुत भी लाइक मतलब पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और मतलब जो रेसिपी है वो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड शेयर भी कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर एंड राधे राधे एंड हर हर महादेव।